नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध को लेकर अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य ने एक बेतुका बयान दिया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का कहना है कि लड़कियों को मोबाइल देना अपराध की सबसे बड़ी वजह है। मीना कुमारी का कहना है कि लड़कियाँ घंटों फोन पर बात करती हैं, बेटियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। ये बयान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने अलीगढ़ में दिया है। दरअसल मीना कुमारी बुधवार को अलीगढ़ पहुंची थी। इस दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर समाज को खुद गंभीर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बेटियों को देखना होगा कि वो किससे बात कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मीना कुमारी ने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों का मोबाइल फ़ोन भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सबको यही बोलती हूँ कि लड़कियाँ मोबाइल पर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि वो भाग जाती हैं। मीना कुमारी ने कहा कि घरवाले बेटियों को फ़ोन ना दें तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि माँ की बड़ी जिम्मेदारी है और अगर बेटियाँ बिगड़ गई हैं तो इसके लिए माँ जिम्मेदार है। वहीं मीना कुमारी के इस बयान के बाद अब हंगामा मच गया है। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत बयानबाजी नहीं की है। एक समाचार चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में मीना कुमारी ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, मैंने सिर्फ लड़की नहीं बल्कि लड़कों को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि नाबालिग लड़की और लड़के के मोबाइल चेक करने चाहिए, परिवार को समय समय पर ये काम करते रहना चाहिए। गौरतलब है कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध लगातार बड़ा मसला बन रहा है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मसले पर महिला आयोग की सदस्य द्वारा इस तरह मोबाइल फोन को जिम्मेदार ठहराने पर बयान की काफ़ी आलोचना हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।